यहाँ संगठन से एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेल हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ, ऐसा दायित्व है। अभी हम श्रीमान कमलनाथ जी से आए थे मिलने के लिए, उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया और मिलने के लिए बुलाया था। आप सभी को ज्ञात ही हुआ कि कल बर्बरतापूर्वक हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से पूरा आंदोलन कर रहे थे। जब कोरोना काल में पूरी प्रदेश की करोड़ों जनता अपने घरों में बैठी थी, तब हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर, सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे और कोरोना को हराने में उनकी सहायता कर रहे थे। अभी जब समय आया और कोरोना चूंकि अभी समाप्त भी नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, उन्होंने यू जी एन थ्रो की पॉलिसी अपनाकर हमारे साथियों को घर का रास्ता दिखलाने की कोशिश की है, तो हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया कि हम शांतिप्रिय तरीका से प्रदेश के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तहसील से सारे अपने स्वास्थ्य 6000 स्वास्थ्यकर्मी भोपाल आएंगे, शांतिप्रिय तरीका से कोविड की पूरी गाइडलाइन के तहत उसको पालन करते हुए हम लोग सब भोपाल में आए। सब लोग एप्रन पहने हुए थे, सब लोग मास्क लगाए हुए थे, सब लोग सैनिटाइज कर रहे थे और बड़े शांतिप्रिय तरीका से बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे और कोई नारेबाजी नहीं थी। और नारेबाजी थी वो भी देश और समाज के लिए थी और उनके हेल्प कर रही थी, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ में अचानक आकर और लाठी बाजना शुरू कर दी, वहाँ से उठाने की कोशिश की।